हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संजीव राज। की इस वीडियो में बात करेंगे वेयर इज माय ट्रेन एप्लीकेशन के बारे में। बेसिकली अभी के टाइम पे इस एप्लीकेशन में न्यू अपडेट आए हैं, उन अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। एंड कई लोगों को ये एप्लीकेशन यूज करना नहीं आता, तो इस एप्लीकेशन का रिव्यू भी करने वाले, कैसे आप इस एप्लीकेशन को यूज करके अपना ट्रेन चेक कर सकते हैं, अपना टिकट बुक कर सकते हैं एंड कैसे अपने PNR स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते चलते वीडियो टॉपिक पे एंड जानते हैं कैसे आप वेयर इज माय ट्रेन एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं और जो भी न्यू अपडेट आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आई मोबाइल की स्क्रीन पर, एंड यहां पर हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। एंड सबसे पहले हमें वेयर इज माई ट्रेन एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो मैंने इस एप्लीकेशन का डाउनलोड एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके वहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, यहां पर ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से चीजें देखने को मिलेंगी। अब सबसे पहले यहां पर मैंने जितने भी रिसेंट सर्चेस किए हैं उसे क्लियर कर लेते हैं, तो क्लियर रिसेंट सर्चेस पर क्लिक करेंगे एंड यहां पर आपका जो भी सर्च है सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो भी हिस्ट्री थी वो डिलीट हो जाएगी। अब सिंपली यहां पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करें कि अगर आपको किसी स्टेशन से ट्रेन पकड़ना और कहीं जाना, तो उसके लिए ट्रेन कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली यहां पर आपको फ्रॉम स्टेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर उस स्टेशन का नाम डालना है जहां से आपको ट्रेन पकड़ना है। लाइक मुझे बरेली जंक्शन से पकड़ना है, मैं बरेली जंक्शन डालूंगा। अब सिंपली मुझे जहां तक जाना है, जैसे कि लुधियाना तक जाना, तो लुधियाना का मैं यहां पर नाम डालूंगा लुधियाना जंक्शन। यहां पर डालने में सिंपली यहां पर फाइंड ट्रेन्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सिंपली यहां पर आपको कुछ इस तरह से चीजें खुलकर आएंगी। यहां पर आप देखेंगे बहुत सारी ट्रेनें आपको हाईलाइटेड है और कुछ जो ट्रेनें हैं डार्क में है। तो मतलब इसका क्या मतलब है, तो ये आज की डेट में नहीं चल रही है, इसीलिए ट्रेन जो है ब्लैक कलर में दिखा रहा है, और जो आज की डेट में चल रही है वो डार्क ब्लैक कलर में दिखा रहा है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। बट सबसे पहले इसमें आपको फिल्टर लगाना है। फिल्टर लगाने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको ऑल डेट पे क्लिक करना है और टुडे वाले डे पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको आज की डेट में जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं वो देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बट अगर आपको किसी और डेट पे चेक करना है तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर टुडे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको चूज फ्रॉम कैलेंडर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास कैलेंडर खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जिस भी डेट पे ट्रेन पकड़नी है, जैसे मुझे 5 दिसंबर को पकड़ना था, 5 दिसंबर पर क्लिक करूंगा और 5 दिसंबर को जितनी भी ट्रेनें चलेंगी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। एंड यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, नीचे आपको कुछ इस तरह से चीज़ देखने को मिलेंगे, बरेली से टंडारी। तो बेसिकली ये जो ट्रेन है 2046-07 और 057-36, ये ट्रेन लुधियाना जंक्शन पे नहीं रुकेंगी, बट लुधियाना से पहले जो छोटा सा स्टेशन है वहाँ रुकेंगी। तो इसीलिए यहाँ दिखा रहा है कि जो नियरेस्ट स्टेशन है वहाँ रुकेंगी, लुधियाना पे नहीं रुकेगी। तो ये भी ट्रेन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब सिंपली बात करें कि यहाँ पर अगर आप PNR स्टेटस चेक करना चाहते हैं या टिकट बुक करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। PNR स्टेटस चेक करने के लिए सिंपली यहाँ पर PNR का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करके अपना PNR नंबर डालिए, जो भी आपका PNR नंबर है, और उसको सिंपली फाइंड PNR स्टेटस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपका PNR स्टेटस चेक हो जाएगा। अब उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको मिलेगा टिकट का ऑप्शन, टिकट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास टिकट बुक करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब सिंपली जहाँ से जहाँ तक आपको ट्रेन पकड़ना हो स्टेशन डाल दीजिए और सिंपली किस डेट में जाना है यहाँ से उस डेट को सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद सिंपली कंफर्म यहाँ पर आपको मिलेगा कोटा। ठीक है, जनरल कोटा, तत्काल कोटा, लेडीज कोटा, जो भी कोटा यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद बुक टिकट पर क्लिक करेंगे तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर रिडायरेक्ट कर देगा। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर कुछ इसे देखने को मिलेगा, बट मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कैसे आप तत्काल टिकट या लेडीज कोटा या जनरल कोटा में टिकट बुक कर सकते हैं। उस पर मतलब मैंने बताया कि रेलवे की एप्लीकेशन से कैसे बुक कर सकते हैं। ये रेलवे का एप्लीकेशन नहीं है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। तो अगर आप वो वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और टिकट बुक करने से संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अब सिंपली यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब बात करें कि कोई ट्रेन फाइंड करना है तो कैसे आप उसके स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अब सिंपली यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो भी ट्रेन में जाना है आप उस ट्रेन का नाम डालिए, जैसे कि मुझे अर्चना में ट्रेन पकड़ना है, तो मैं यहाँ पर अर्चना डाला। अब यहाँ पर अर्चना देखिए, जम्मू तभी से पटना जाती है, पटना से जम्मू तभी जाती है, तो दो ट्रेनें आ चुकी हैं। तो जो भी आपका है जहाँ से भी जहाँ तक जाती है ट्रेन को सिलेक्ट कीजिए। तो मैंने यहाँ पर अर्चना पटना से जम्मू तभी पर क्लिक किया और यहाँ पर स्टेटस खुलकर आ जाएगा कि ट्रेन अभी कहाँ है। बेसिकली लखनऊ चार बाग जंक्शन पर पहुँची है। ठीक है, अब सिंपली ये कितना मिनट लेट है यहाँ पर देखने को मिलेगा, 50 मिनट डिले दिखा रहा है, और यहाँ पर इसका स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कोच का मतलब देखने को, कोच का पोजीशन क्लिक करके कोच का पोजीशन चेक कर सकते हैं, कोच का पोजीशन क्या है, और किसी कोच की सिटिंग पोजीशन को भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं S5 के सिटिंग पोजीशन को चेक करूँगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से सिटिंग पोजीशन है S5 का। और यहाँ पर अगर आप अलार्म सेट करना चाहते हो तो सिंपली अलार्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अलार्म सेट कर सकते हैं किसी स्टेशन से पहले, कि कैसे मतलब 20 मिनट पहले बचे, कभी बजे, 30 मिनट 25 मिनट जो भी आप टाइम लगाना चाहते हो उससे पहले बजना शुरू हो जाए अलार्म, वो सेट कर सकते हैं। अलार्म के लिए सिंपली इस पर क्लिक करके स्टेशन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सेट अलार्म पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपका अलार्म सेट हो जाएगा। जैसे कि इस एप्लीकेशन में जो न्यू अपडेट्स हैं अलर्ट्स वगैरह, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे आप 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको व्यू अलर्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर आपको जो भी अलर्ट्स होंगे रेलवे से संबंधित यहाँ पर आपको शो करने में लगेगा। जैसे कि एडवांस बुकिंग का जो पीरियड था जिसमें हम लोग टिकट बुक कर सकते थे स्लीपर में, एसी में, किसी में भी टिकट बुक कर लेते थे 4 महीने पहले, अब आप 4 महीने पहले नहीं कर सकते हैं, आपको केवल 2 महीने पहले ही करने का ऑप्शन मिलता है। पहले यहाँ पर आपको 4 महीने पहले मिल जाता था, बट अब आप केवल 2 महीने पहले ही कर सकते हैं टिकट बुक। तो इसको भी 1 नवंबर से लागू कर दिया गया है, 1 नवंबर से नियम लागू हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो भी ट्रबल्स वगैरह होंगी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, किसी भी ट्रेन में कुछ ट्रबल होता है या कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह होता है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये अलर्ट्स वगैरह का ऑप्शन यहाँ पर नया आया हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप अपने लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हो तो लैंग्वेज पर क्लिक करके इसको लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। और जिस भी स्टेशन से आप ट्रेन पकड़ना चाहते हैं उस स्टेशन पर, मतलब उसके पहले कितनी ट्रेनें चल रही हैं अगर आप चेक करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर आपको स्टेशन का नाम डालना है। जैसे मैं बरेली डाला, अब बरेली डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे जो भी ट्रेनें मतलब बरेली आने वाली हैं और कौन कौन सी ट्रेनें हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और आपकी ट्रेन जो भी होगी उसके पीछे देख सकते हैं कितनी ट्रेनें चल रही हैं इस एप्लीकेशन की सहायता से। सो आई होप आप समझें कैसे आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, कैसे इस एप्लीकेशन की सहायता से अपने PNR स्टेटस को और अपने टिकट को बुक कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।